सो स्टूडेंट्स, केपीआई से मुराद बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आसान लफ्जों में जो मैंने आपको भी प्रोग्राम मैनेजमेंट की शीट दिखाई है, दैट वॉज फॉर स्क्रम मास्टर्स। अब इसी शीट में से एक व्यू जनरेट होगा जो आप कह लें हायर मैनेजमेंट का है, या वो बंदा देख रहा है जो स्क्रम मास्टर्स को लीड कर रहा है। इसको अमूमन इंजीनियरिंग मैनेजर या हमको ये एक रोल हम कह देते हैं। तो KPIs बेसिकली वो चीज़ें हैं या वो मेट्रिक हैं या वो पैरामीटर्स हैं जो हम एजाइल में मॉनिटर कर रहे होते हैं, जस्ट टू सी कि ओवरऑल हमारी कंपनी के अंदर काम चल रहा है या प्रोजेक्ट्स असाइन हुए हुए हैं उनकी ओवरऑल हेल्थ क्या चल रही है। ये हमें एक हायर लेवल प्लानिंग में इससे बहुत मदद होती है। सो जो शीट मैंने आपको दिखाई थी अभी प्रोग्राम मैनेजमेंट की, उसी शीट का एक और मैं अभी आपको व्यू दिखाता हूं जो उसी प्रोग्राम मैनेजमेंट शीट का KPI का व्यू है, जो जिसका डेटा वहीं से हम लोग पुल कर रहे हैं, यानी उसी शीट में से पुल कर रहे हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई है। सो लेट मी शो यू अ KPI विद सम एक्चुअल डेटा। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये वही शीट है, इसका मैंने यानी वही डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर एक शीट है PMO डैशबोर्ड। PMO से मुराद होती है प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। KPIs के अंदर हमने डेट लिखी। अभी मैं आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम मैनेजमेंट शीट के KPIs बता रहा हूँ, ऑब्वियसली दे विल डिफर जब आप कोई दूसरी शीट निकालेंगे या दूसरी कंपनी में जाएंगे। अब इसमें KPI के टोटल एक्टिव प्रोजेक्ट कितने हैं, टोटल प्रोजेक्ट पर स्क्रम मास्टर, एक्टिव प्रोजेक्ट पर स्क्रम मास्टर, एस्केलेशन का काउंट क्या है, एस्केलेशन अकाउंट से मुराद ये है कि कितने बर्निंग इश्यूज हैं हमारे पास अभी तक। और ये आप देख रहे हैं ये डेट वाइज है, यानी हम इसको ट्रैक कर रहे हैं फ्रॉम डेट वाइज। उसके बाद हमारे पास एक ओवरऑल पिक्चर है कि स्क्रम मास्टर वाइज हमारे पास ओवरऑल ब्रेकअप क्या है, यानी आपको ये बता रहा है कि टोटल एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर डेट को 42 हैं, टोटल प्रोजेक्ट्स पर स्क्रम मास्टर वहीं से परसेंटेज निकली हुई है, एंड सो ऑन। और इन प्रोजेक्ट का जो ब्रेकअप है वो ये एक्चुअली मैं आपको स्टैट जो बता रहा था ना, ये स्टैट आपको हेल्प आउट करता है ओवरऑल कि अगर फॉर एग्जांपल कोई नई बिल्ड स्टार्ट करनी है या कोई नई स्प्रिंट स्टार्ट करनी है तो कौन सा स्क्रम मास्टर अवेलेबल है जिसको आप रीजनेबली असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप डेटा को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये कोई पीटर हमारे पास स्क्रम मास्टर है जो कि ऑफ साइड से मुराद होता है कोई रिमोटली काम कर रहा है, और किम है उसके पास 5 हैं, पीटर के पास 10 हैं, दैट्स अ ह्यूज नंबर एक्चुअली, बट दिस इज एक्चुअल नंबर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये एक्चुअल नंबर है, मैंने इसको फेक आउट नहीं किया हुआ, ये एक्चुअल नंबर है। 7 फॉर एग्जांपल एक हमारे पास स्क्रम मास्टर है, उसके बाद 3 है, फॉर एग्जांपल कोई नई स्प्रिंट स्टार्ट करनी है, कोई नया काम आता है कंपनी में, तो आप यहां से ओवरऑल ये अंदाजा कर सकते हैं या ये प्लान आउट कर सकते हैं कि होम टू असाइन वर्क। ये बहुत जरूरी होता है अमूमन जब हम ये कहते हैं कि कंपनी स्केल आउट करने की तरफ जा रही है या सक्सेसफुली स्केल आउट कर रही है, तो ये एक्चुअली वो आप कह लें वो आर्टिफैक्ट है, वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि जब आप बिजनेस स्केल करता है तो यू शुड हैव डेटा टू प्लान इट आउट, वरना आप कंपनी की ग्रोथ को काबू नहीं कर सकते। तो मैं एक्चुअली इस डैशबोर्ड की या इस टॉपिक की बात कर रहा था कि आपके पास जब तक इस तरह का डेटा किसी रॉ फॉर्म में या कहीं पर भी मौजूद नहीं होगा ना, तो आप फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर ने या कोई एक एमरजेंसी में एक अर्जेंट बिल्ड आ गई है, अब यू डोंट नो कि जो स्क्रम मास्टर्स हैं उनकी अभी उनका वर्कलोड क्या है, तो यू विल हैंग। अब हो सकता है आप ये पीटर को एक नया काम दे दें, वो कहे भाई मेरे पास पहले ही 10 प्रोजेक्ट्स हैं, हाउ आई कैन डू अ नेक्स्ट प्रोजेक्ट, तो सिंस यू विल नॉट हैव दिस विजिबिलिटी देन यू विल लॉन्च, यू विल एंड अप इन अ ट्रबल। सो ये बेसिकली KPIs हैं एक इस पर्टिकुलर शीट के जिसके जरिए हम बेसिकली प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं।